दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो कभी ना कभी आपने कोई ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिला होगा। तो मिला है तो उसके बाद आपको 3 महीने का वेट करना पड़ता है। 3 महीने वेट करने के बाद आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो रिमूव होता है। लेकिन जब वो रिमूव होता है तो उसके बाद आपको एक और चीज़, एक और आपको फॉर्म दिया जाता है, वो आपको फिल करना होता है, जिसे बोलते हैं कॉपीराइट स्कूल फॉर्म। तो उसको फिल करना होता है और उसके अंदर आपको 4 सवाल पूछे जाते हैं। सवाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वो फॉर्म फिल करना नहीं आता, अगर आपको वो टिक करना नहीं आता कि कौन सा सवाल दुरुस्त लगाना है, कौन सा सही लगाना है, कौन सा गलत है, तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए है। अगर आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए देख ली, कंप्लीट वॉच कर ली, तो आप इन सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन ना मिले, तो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे सवाल दे दिए गए और उनके जवाब भी दे दिए गए। तो इन डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करके आप साथ साथ उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने उनको उस फॉर्म को फिल करना और कैसे उनके सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टेक्सेब को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको पता है कि इस चैनल पर आपको मिलता है फुल सपोर्ट और फुल कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जी गाइस, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आज हम इसको सॉल्व जो है वो मोबाइल पर ही करेंगे। तो चलिए, क्रोम ब्राउजर को आपने ओपन कर लेना है या फिर किसी और ब्राउजर को भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउजर सबसे बेस्ट ब्राउजर है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद न्यू यूट्यूबर, यहाँ पर सबसे पहले अपने चैनल को लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube.com। तो चलिए मैं YouTube.com सर्च कर लेता हूँ। YouTube.com जो ही आप सर्च करोगे तो हो सकता है आपकी YouTube ओपन हो जाए, हो सकता है आपके सामने कोई एप्लीकेशन आ जाए जिसको आपको ओपन करना पड़े। तो आपने इस क्रोम ब्राउजर के अंदर आपने YouTube को ओपन करना, थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में होती है, फर्स्ट टाइम होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होती। तो चलिए, उसके बाद आपको करना क्या, ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो एक एरो का निशान आ गया। अगर आपके पास 3 डॉट है या पर एरो है, उन पर आपको क्लिक कर लेना राइट साइड पे कॉर्नर पे। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको नीचे आ जाना। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट, इस पर आपको टिक कर लेना। तो चलिए, मैंने टिक कर लिया। टिक करने के बाद यह हमारा जो क्रोम ब्राउजर ये डेस्कटॉप साइट के मोड में आ गया, यानी कि एक लैपटॉप की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद गाइस, आपको करना क्या है, आपको राइट साइड पे अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना होता है। जैसा कि यहाँ पर लोगो एक नज़र आ रहा है, इस लोगो पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिनमें एक ऑप्शन थर्ड नंबर पे आता है यूट्यूब स्टूडियो का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने हो सकता है कॉपीराइट स्कूल फॉर्म आ जाए, जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब ये कॉपीराइट स्कूल फॉर्म क्यों आता है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है, वो स्ट्राइक एक्सपायर होता है 3 महीने के बाद। तो वो आपका स्ट्राइक जो है वो तभी हटता है जब आप ये फॉर्म फिल करते हो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सवाल आपको कुछ तुक्के से लगा कर देना होता है। तुक्के से भी नहीं, अगर आपको सही से लगाना है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं एक स्ट्राइक मिला है, जो कि अगस्त 17, 2020 को मिला था, लेकिन दिसंबर के अंदर ये एंड हो चुका था। अब तो जनवरी भी गुजर चुका है, तो इसलिए यहाँ पर गाइस आपको मजीद डिटेल देखनी पड़ जाएगी, ये देख सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ आपको नीचे देखें अटेंड कॉपीराइट स्कूल, तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर गाइस देखिए, ये होता है कॉपीराइट फॉर्म, स्कूल फॉर्म। इस स्कूल फॉर्म को आपने फिर लाजमी करना होता है, चाहे आप मैट्रिक पास हैं या नहीं है। तो गाइज यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए, इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मैंने भी ऐसे किया, मैंने भी किसी वो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा वहाँ से देख कर ही मैंने यहाँ पर सारे जवाब दे दिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दिया, उसके बाद भी फॉल्स कर दिया, फिर फॉल्स कर दिया, फिर लास्ट पे ट्रू कर दिया। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेक करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पर चेक आंसर पर क्लिक कर देते हैं। जो ही हमने चेक आंसर पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि आपने सही दिए या गलत दिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड कॉपीराइट स्कूल, यहाँ पर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डन के बटन पर क्लिक कर देना, यहाँ पर डन। तो चलिए, हमने डन के बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिखा, देर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, मतलब स्ट्राइक हट गई, खत्म होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारा फिल अप करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बताइएगा, फॉलो भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।